अगर दोस्तों आप रेलवे से कहीं यात्रा करना चाहते हैं वो भी 24 घंटे के अंदर में, तो आपको प्रीमियम तत्काल का सहारा लेना पड़ता है। अगर प्रीमियम तत्काल टिकट आप बुक करना नहीं जानते तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि प्रीमियम तत्काल टिकट क्या होता है, प्रीमियम तत्काल टिकट कैसे बुक करें और इसके चार्जेस क्या होते हैं, पूरा मैं बताने वाला हूँ बारीकी से। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर सूरज यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है या किसी भी तरह का टिप्स ट्रिक्स ऑफर की जानकारी मैं लेके आओ वो आप सभी तक बिना रुकावट जल्द से जल्द पहुँच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ नीचे जाइए, यहाँ हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है और हमारे सभी वीडियो का प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दिया। आप जाके हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे सभी वीडियो का प्लेलिस्ट देख के कुछ नया जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं, साथ ही हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो का भी इसी तरह लुत्फ उठाते रहें। अपने मोबाइल को हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं मैंने IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है IRCTC रेल कनेक्ट पे, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमारे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक पूरा प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सारे कुछ आपको बताया जाए कैसे आप ID बना सकते हैं यानी कि अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट आपसे को जो प्रीमियम तत्काल टिकट होता है बनाने के लिए, वो 24 घंटा पहले बनाना होता है, पहले तो मैं आपसे ये बता दूँ। और इसका टाइम होता है, अगर आप AC क्लास का टिकट बुक करते हैं तो आपको 10 बजे का टाइम सुबह में होता है, और अगर आप स्लीपर क्लास का लेते हैं तो 11 बजे का होता है। एक दिन पहले आपको टिकट, अगर मान लीजिए कल जाना है तो आज सुबह 10 बजे AC क्लास का और स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे का टिकट आपको लेना होगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आप सभी को मैं बता दूं कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो सिंपली आप सभी को क्या करना है, यहाँ प्लान माई जर्नी पे क्लिक कर लेना है। ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम प्लान माई जर्नी पे क्लिक कर लेते हैं। मैंने अपना ID लॉगिन पहले से कर रखा है, नहीं तो आपको ID लॉगिन करने के लिए बोलता, ठीक है ना। फ्रॉम में आपको वो स्टेशन का नेम डालना है जहाँ से आप यात्रा करना चाहते हैं, टू में आपको जहाँ तक का यात्रा करना है वो डालना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम में मैंने यही सेलेक्ट कर लिया है और टू में रहने देते हैं इसको, ठीक है ना। क्लास यहाँ पे ऑल रहने देंगे, क्योंकि जो तत्काल टिकट होता है बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना। और कोटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरल है तो यहाँ क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे कोटा आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जनरल, लेडीज़, तत्काल, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, प्रीमियम तत्काल, दिव्यांग। तो जनरल के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, जनरल अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं जैसे कि 120 दिन पहले, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं किस तरीके से कर सकते हैं बुक, ठीक है ना। और तत्काल का भी मैंने बना रखा वीडियो कि किस तरीके से आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, तो वो भी जाकर देख सकते हैं आई बटन में, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है ना। और अभी हम प्रीमियम तत्काल की बात कर रहे हैं, तो प्रीमियम तत्काल पर क्लिक कर लेते हैं। रेलवे के प्रीमियम तत्काल कोटा की खास बातें जो कि मैं आप सभी को और बता देता हूँ। बुकिंग के हिसाब से बढ़ता रहता है कि इसके तहत ट्रेन में जैसे जैसे बुकिंग होता है किराया बढ़ता जाता है, और फ्लेक्सी फेयर के तहत यात्रियों का किराया हर 10% सीट भरने के बाद 10% बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि 10% इस कोटे के तहत बुक हो गया सीट, तो 10% किराया बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने कोटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लें कल का, सर्च पर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करते हैं, थोड़ा स्लाइड करके नीचे आएंगे आप सभी को कई सारे ट्रेनों का यहाँ पर स्लीपर क्लास में और AC क्लास में टिकट देखने को मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ फेयर देख सकते हैं, पैसेंजर डिटेल पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगा जा रहा है, इसको आई एग्री कर देना है, प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे साफ साफ जो बताया जा रहा है पढ़ लीजिएगा, सीनियर सिटीजन कोटा का जो भी कंसेशन है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है इस कोटा इस क्लास में, ठीक है ना। तो हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे डिटेल आपसे भी देखने को मिल रहा होगा, कुछ पर्सनल डिटेल होगा जो प्राइवेसी इश्यू से मैं ब्लर कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि पर्सनल डिटेल किसी का आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर आपसे को बता दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बजे से कितने बजे तक का यात्रा का टाइम है ये दिया हुआ है, ठीक है ना।
और उसके बाद यहाँ पे कौन से क्लास में, ये सब आप देख सकते हैं, प्रीमियम तत्काल लिखा हुआ है, सीट कितने हैं ये सब देख सकते हैं। बोर्डिंग स्टेशन आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि अगर मान लीजिए ये आपने सेलेक्ट कर लिया ये यात्रा करने का स्टेशन आपका, ठीक है ना, इसके आगे का स्टेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं या पीछे का, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अगर आपने मास्टर लिस्ट नहीं बना रखा है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके पैसेंजर आपको सेलेक्ट कर लेना है, बच्चे हैं तो ऐड इन्फेंट पे क्लिक करके उनका भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, मास्टर लिस्ट बना रखे तो ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके आप मास्टर लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपसे को थोड़ा ऐड न्यू पे क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नाम डालना है, यहाँ पे एज डालना है और मेल फीमेल है क्या है वो डाल लेना है, बर्थ रहने दीजिएगा, ठीक है ना। ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों पे भी ऐड पे क्लिक कर लीजिएगा, नेम यहाँ डाल देना है, कितने साल का या कितने महीने का ये डाल देना है। यहाँ पे आप सभी को मेल है या फीमेल है जो भी डाल के यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेना है तो वो ऐड हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि आपने मास्टर लिस्ट बना रखा है तो ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम सारे डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे स्लाइड करके आएगा तो यहाँ अदर प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड, यानी कि जो भी आपका टिकट बुक हो वो कन्फर्म ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर टैप कर देना है और चेकबॉक्स को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नंबर डालने के लिए बोला है, कोच नंबर तो डालने की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन चॉइस भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ये डेस्टिनेशन एड्रेस का ऑप्शन मिल रहा है, तो जहाँ पे आपको यात्रा करके जाना है वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ फर्स्ट लेन में, सेकंड लेन में आप डालना चाहते हो डालें, थर्ड लेन में डालना चाहते हो तो डालें, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है ये। पिन कोड जरूर डाल लेना है, ठीक है। पिन कोड डालते ही स्टेट और सिटी आपको सेलेक्ट हो जाएगा, पोस्ट आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपसे अगर GST नंबर आपके पास है तो आप GST नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। पेमेंट मोड पे आपको क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं कई तरीके से, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला है क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग और वॉलेट के द्वारा आपको यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इसका कन्वीनियंस चार्ज 30 रुपया लगेगा, प्लस में अलग से GST है, ठीक है ना। अब भीम UPI के साथ सेकंड वाला आप सेलेक्ट करते हैं तो 20 रुपया लगेगा, यानी 10 रुपये आपके बचेंगे, GST इसमें भी लगेगा। यहाँ पे आपसे को क्या करना है, पे थ्रू भीम UPI सेलेक्ट कर लेना, मेरे को ज़्यादा आसान भीम UPI लगता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उससे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेवल इंश्योरेंस आपको ले लेना है जो कि 49 पैसे पर पर्सन है, यानी एक आदमी का 49 पैसा है। तो 49 पैसे में क्या आता है, कुछ नहीं आता है, ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन है पढ़ लीजिएगा, बाकी आपका अपना इच्छा, ठीक है ना। रिव्यू जर्नी पे आपको क्लिक करके रिव्यू कर लेना है, तो चलिए हम रिव्यू पे क्लिक करके रिव्यू कर लेते हैं। इस तरीके से रिव्यू जर्नी का डिटेल आपसे को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें स्लाइड करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपसे को क्या करना है, जो आपका कैप्चा देखने को मिल रहा है जीवन शांति, इसको यहाँ पे फिल कर लेना है, इस पे क्लिक करके, ठीक है ना। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको ये पढ़ लेना अलर्ट है, ठीक है ना। उसके बाद इस पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको टोटल फेयर दिखाया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर लेना, ये भीम UPI पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन भी आपसे को देखने को मिल जाएंगे ये सारे, जैसे कि पेटीएम से आप करना चाहते हैं तो पेटीएम से कर सकते हैं, पेटीएम का वॉलेट, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, रेजर पे का भीम UPI यूज़ करना चाहते हैं, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, रिजर्व पे के द्वारा करना चाहते हैं, फोनपे के द्वारा करना चाहते हैं तो एयर पे के द्वारा करना चाहते हैं, या इंडसलैंड बैंक के द्वारा करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। हम तो भीम UPI से करेंगे तो भीम UPI सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पे पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पेटीएम से अगर पेमेंट करने के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, अगर मोबाइल नंबर से आप करना चाहते हैं जो कि पेटीएम से रजिस्टर है, और नहीं तो UPI से करना है तो यहाँ पे UPI नंबर आपको डाल लेना है। तो चलिए हम UPI नंबर डाल के पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, और मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल है जो कि मैंने ब्लर कर दिया है प्राइवेसी इश्यूज, और देख सकते हैं हमारा टिकट कन्फर्म हो चुका है, और जो चार्जेस वगैरह सारे कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप सभी को। यहाँ पे आप रिटर्निंग के लिए भी टिकट आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कैंसिलेशन पॉलिसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि 1 भी रुपये आपको ना मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। कन्फर्म सीट यहाँ मिला हुआ है हमको, यहाँ पर बर्थ बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रीमियम तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी अच्छा लगा होगा, था वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए जानकारी से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।